टीकमगढ़ जिले के ग्राम बंधा में बुंदेलखंड के हजारों वर्ष चमत्कारी और अतिशयकारी अतिशय क्षेत्र बंधा जी में पर्युषण पर्व मनाया गया। यह आयोजन 19 सितंबर तक चलेगा। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद और मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी एवं भाव सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर सभी भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण होती है। इस समय 170 मंडली है। समवशरण महामंडल विधान एवं आध्यात्मिक शावक संस्कार शिविर चल रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं और पूर्ण लाभ लेते हैं। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम रितिका जैन है। कहाँ से? मैं जबलपुर के पास पिपरिया से आई हूँ। कैसा लगा यहाँ बंधा जी में आप? यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान की प्रतिमा बहुत ही अतिशयकारी है। सच में देखा जाए तो प्रतिमा को ध्यान से संकट हारी है, दुख हारी है। और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे पुनः दोबारा यहाँ पर आने का मौका मिला है। अभी 2 महीने पहले यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि की आराधना हुई थी, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बंधा जी क्षेत्र में जो भी असुविधाएँ यहाँ पर हैं उसको भी नज़रअंदाज करके देखा जाए तो यहाँ की जो कमेटी है, दिगंबर जैन समाज की कमेटी है, आदरणीय मुरली भैया, अक्षय रसिया भैया, ऋषभ भैया, जीतू भैया और भी बहुत से नाम हैं, ये लोग तन मन धन से समर्पित हैं और इन्हीं का प्रोत्साहन और इन्हीं का प्रयास था जो मुझे जबलपुर से यहाँ पर आने का दूसरी बार पुनः मौका मिला है। और आचार्य श्री की परम अनुकंपा से यहाँ पर 170 मंडली समवशरण विधान हुआ, जो कि विश्व में पहली बार ऐसा विधान यहाँ पर हुआ है और विश्व में पहला ही ये रजत जिनालय जो बनने जा रहा है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उसकी मैं साक्षी बनी और मैं यहाँ पर आई, वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था और मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। क्या नाम है? मेरा नाम मुरली मनोहर जैन, अध्यक्ष अतिशय क्षेत्र बंधा जी, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। अध्यक्ष जी, आपसे पूछना चाहेंगे अभी जो वृक्षारोपण क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे आ रहे हैं? भैया, यहाँ पर विश्व में पहली बार 170 समोषण सजा करके श्री 1008 समोषण महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी, भाव सागर जी महाराज के सानिध्य में यह विशाल आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत में कई नगरों से, पूरे देश से, प्रदेश से, कई नगरों से यहाँ लोग बाग श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, जो पर्युषण महापर्व में व्रतों की आराधना कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। ऐसे यहाँ उनके श्रावक संस्कार शिविर की साधना भी चल रही है। जैन धर्म की बात किया तो मुख्य रूप से कौन से भगवान यहाँ पे हैं, कितने वर्ष पुरानी वह प्रतिमा? लगभग 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन 24 तीर्थंकरों में से दूसरे तीर्थंकर चेतन चमत्कारी देवादिदेव मनोहारी अतिशयकारी श्री 1008 अजितनाथ भगवान की प्रतिमा जी यहाँ मूल नायक हैं और उन्हीं का अतिशय यहाँ 40 गाँव में नहीं अब तो पूरे भारत देश में उनके अतिशय का गुणगान हो रहा है। और वो वास्तव में ऐसे चमत्कारी भगवान हैं कि जिनके दर्शन करके आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं यहाँ विश्व का प्रथम रजत मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। कोई समस्या की बात की जाए इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे बंधा जी के पास क्या क्या समस्याएं आती हैं जो आप मतलब पूरी नहीं हो पा रही? मेरा शासन प्रशासन से यहाँ की समस्याओं के बारे में निवेदन है, जिला के मुखिया माननीय कलेक्टर महोदय से, कि वो यहाँ आकर के ऐसे विश्व प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है उसका अवलोकन करें और आकर के देखें। जो हमारे तहसील के SDM महोदय हैं, तहसीलदार महोदय हैं, उनको आकर के इस क्षेत्र को देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि यहाँ ऐसे 5-5 ऋषिराज तपस्या में लीन हैं और उनके आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है, गड्ढे भर रहे हैं, कीचड़ मचा हुआ है। यहाँ वास्तव में देखा जाए तो इस इतने बड़े प्रसिद्ध क्षेत्र के लिए कोई भी अंदर जाने के लिए मात्र 10 फुट चौड़ी रास्ता है। यदि एक बार जाम लग जाए तो लगभग 1 घंटा में एक यात्री मंदिर तक पहुंच पाता है, दूरी मात्र 500 मीटर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।